नमस्कार, आप नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। महामारी से निपटने के लिए सरकार जोरों शोरों से वैक्सीनेशन अभियान भी चला रही है। ऐसे में शिवहर जिले में वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। डीएम ने टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को फ्रिज, कूलर और सोने के सिक्के जैसे इनाम देने की योजना शुरू की है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सर्वाधिक कोरोना टीकाकरण करने में सूबे में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद शिवहर जिला अब इस आयु वर्ग के लोगों के 100% टीकाकरण कराने की तैयारी में जुट गया है। शिवहर डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के अलावा जिले के सभी इलाकों के 45 पार के सभी लोगों का 15 जुलाई तक 100% टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके लिए लकी ड्रॉ योजना शुरू की गई है। इसमें फ्रिज, कूलर के अलावा सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, शिवहर में बाढ़ और बचाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों और अधिकारियों को भी 15 जुलाई के पूर्व 100% वैक्सीनेशन होगा। डीएम ने इसके लिए अधिकारियों को पत्र जारी किया है। डीएम ने कहा है कि अगर 15 जुलाई तक 45 पार के लोगों का 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो निश्चित रूप से शिवहर जिले के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में इस आयु वर्ग के लगभग 1,60,369 लोग हैं। इनमें अब तक 69,917 लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है। पिछले साल जिले के 53 में से 43 पंचायत बाढ़ के गिरफ्त में थे, लिहाजा इन इलाकों में भी टीकाकरण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। डीएम सज्जन राजशेखर ने बताया है कि हर हाल में 15 जुलाई तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।